अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज विद अरसलान मुखशामदी। दोस्तों, हिम्मत बुलंद हो और यकीन कामल कि जिस मकसद को लेकर उठे हैं वो हर लिहाज से दुरुस्त है, तो मामूली समाज से भी बड़ी बड़ी ताकतों को ख़त्म किया जा सकते हैं। अरब खुदा का पैगाम लेकर उठे थे तो इनसे बढ़कर बेसर समान कोई कौम ना थी। शुरू ही में इन्हें दुनिया की दो बड़ी शहनशाहियों से मुकाबला पेश आया, एक रूमी शहनशाही और दूसरी सासानी शहनशाही। अरबों ने बेसमानी के बावजूद इन दो शहनशाहियों को इस तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया कि गोया वो मिट्टी के बुत थे। अरबों और सासानियों के दरमियान पहली बड़ी लड़ाई कादसिया के मैदान में हुई। इसने सासानी सल्तनत की किस्मत पर कज़ा व कदर की आखिरी मोड़ लगा दी। ये लड़ाई 4 दिन जारी रही। सासानियों को अपने जंगी हाथियों पर बड़ा भरोसा था। हाथी आगे बढ़ते थे तो अरबों के कोड़े इन मतहरक चट्टानों को देख कर बुदकते और पीछे की तरफ भाग निकलते थे। अरबी लश्कर के सिपहसालार को यकीन हो गया कि जब तक हाथियों की हिला से निजात ना होगी, कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चुनाचे इसने मन चले जवानों की एक जमात के जिम्मे यह काम लगा दिया कि हाथियों की आंखों में नेजे मारें और इनकी सूंडें काट दें। ये जवान घोड़े से उतरकर हाथियों पर पल पड़े। इन्होंने ताक ताक कर हाथियों की आंखों में नेजे मारे और साथ ही चाबक दस्ती से इनकी सूंडें उड़ा दी। हाथी चिंगारते हुए पीछे की तरफ भागे और सासानी लश्कर को रूंधते हुए निकल गए। सासानी सिपहसालार ने अपनी सिपाह को ललकार कर कहा, देखो तुम्हारे दुश्मन कितनी जानबाजी दिखा रहे हैं, हालांकि वो एक भूखी नंगी कौम के सिपाही हैं और इनकी बहादुरी का कोई सिला मिलने की उम्मीद नहीं। तुम एक अजीम शान सल्तनत के सिपाही हो, तुम्हारे बादशाह ने सोने चांदी से लदे हुए खच्चर भेज दिए। तुम में से जो शख्स बहादुरी दिखाएगा इसे माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन ये ललकार बेसूद रही। इनाम और अहदे का लालच इन लोगों के मुकाबले में क्या काम दे सकता था, जिनकी तलवारें सिर्फ हक और इंसाफ की खातर बुलंद हुई थी, जो दुनिया की हर शय को ठुकरा चुके थे और खुदा की राह में मौत ने ज़िंदगी से बढ़कर अजीज़ थी। सासानियों ने रात के वक्त छापा मारने की तैयारी की। अरबों ने ऊँटों की एक कतार तैयार की, जिन पर खुशक घास के गट्ठे मजबूत बांध कर ला दिए। फिर इन गट्ठों को आग लगा कर ऊँटों को सासानी लश्कर की तरफ दौड़ा दिया। आग की इस दीवार ने जुदर का रुख किया। सासानियों के घोड़े बागी तुड़ा तुड़ा कर भाग गए। थोड़ी देर के बाद सारा सासानी लश्कर रेत के जरों की तरह बिखर गया। इस शिकस्त के बाद सासानी कहीं भी ना ठहरे। चंद साल में पूरी सासानी सल्तनत अरबों के कब्जे में आ गई और इस्लामी फतवात का सैल हिंदोस्तान की जानब फैलने लगा और दूसरी तरफ इसकी लहरें ओकियानूस तक पहुँच गईं।